तो आज हम बनाने जा रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए स्पेशल मांडुआ पीठा। तो उसके लिए हम कढ़ाई में सबसे पहले लेंगे 1 कप पानी। अभी हम इस पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब रथ यात्रा जगन्नाथ जी की है, तो जगन्नाथपुरी में जो स्पेशल ऑफरिंग्स बनती हैं वो ऑफरिंग हम अपने अपने घर में भी बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो आज हम भी वही ट्राई कर रहे हैं मांडुआ पीठा बनाने की। तो अब ये पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, इस पानी में हम अब सबसे पहले डालेंगे गुड़, या फिर जो गुड़ की पिसा हुआ गुड़ होता है, 1 कप। 1 कप पानी लिया है और 1 ही कप मैंने ये गुड़ लिया है। और इसमें अब मैं डालूँगी सौंफ और काली मिर्च, 1 चम्मच है, आधा चम्मच सौंफ है और आधी चम्मच काली मिर्च है। इसको दरड़ पीसा है मिक्सी में, बहुत बारीक करके नहीं पीस लेना है, बिल्कुल दरड़ पीस लिया है और इसको इसमें डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे देसी घी का। और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर में देखिए बॉयल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे आटा लेंगे। 1 कप मैंने आटा लिया है, धीरे धीरे आटा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ तक हमारी गैस जो है मीडियम रहेगी। हमने सारा आटा डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे और गैस थोड़ा स्लो रखेंगे और चलाते चलेंगे। इसमें तक हम इसको इसी तरह से स्लो गैस पर भूनते रहेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। 10 मिनट इसे हमें भूनते हुए हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में पहले थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ कि वो चिपके नहीं, ग्रीसिंग हो जाएगी। और अब इसमें ये बैटर निकाल लेंगे। हल्का सा घी हम इसके ऊपर डालेंगे और इसे फैला देंगे। गरम बहुत है, इसे ठंडा होने देंगे। 10 मिनट तक इसे रखेंगे हम ठंडा होने के लिए, फिर हम इसका मांडुआ बनाएंगे। तो हमारा ये मांडुआ का बैटर ठंडा हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा लोई लेंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, और इसको गोल गोल करते चलेंगे। तो देखिए गोल हो गया और इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ लिया है। और इसी तरह से हम सारे मांडुआ बना लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी सही से शेप नहीं दे पाएंगे। बस इतना गर्म हो कि हम उस पर उसे अपने हाथ पर सह सकें। और इस तरह से हम सारे मांडुआ बना लेते हैं। तो हमारे सारे मांडुआ जो है बन गए हैं। अब इन्हें हम देसी घी में फ्राई कर लेते हैं। अब हम कढ़ाई में देसी घी डाल लेते हैं। भगवान जी को जो भोग लगता है देसी घी में ही लगता है, तो मैं भी इसको देसी घी में ही मैं डालकर तलूंगी। और इस घी को अब हम गर्म होने देते हैं। घी भी गर्म हो गया है और मांडुआ भी हमारे बने हुए हैं, तो इस गर्म घी में हम इसे डालते चलेंगे। और इसे अच्छी तरह से अभी फ्राई होने देंगे, छेड़ेंगे नहीं। जब ये नीचे से पकेंगे तो अपने आप नीचे की सतह को छोड़ देंगे। तो देखिए इन्होंने नीचे से सतह छोड़ दी है, अब हम इन्हें टर्न कर देते हैं। और दूसरी तरफ से भी
अच्छी तरह से पकने देंगे। गैस हमें यहाँ तेज नहीं करनी है, गैस हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे और स्लो गैस पे से तलते चलेंगे। अब हमने एक तरफ से जब इन्हें पलटा है तो अब गैस को हम हाई फ्लेम पे कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी पकने देंगे। तो ये मान लो हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम इन्हें गैस में से निकाल लेते हैं, कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसका घी अच्छी तरह से निकलने देते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हम बाकी के मालवा भी फ्राई कर लेंगे। ये मालवा पीठा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए तुलसी जी डालकर जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं।